हाय एवरीवन, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग। इंजाइम्स स्टार्ट किए थे और उसमें से जो इंजाइम्स के बारे में अभी तक देखे थे हम लोग कि इंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इंजाइम्स खुद लाइफलेस हैं लेकिन वे वैसे स्पीसीज में पाए जाते हैं जिनमें लाइफ होता है। इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड दोनों टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं लेकिन ग्लोबुलर की कैटेगरी में होंगे। उसके बाद देखे थे हाईली एफिशिएंट होते हैं। एक इंजाइम किसी नॉर्मल रिएक्शन को 10^16 टाइम्स तक फास्ट कर सकता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है इंजाइम्स का हम लोग देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और बच गया है इंजाइम के रिलेटेड, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस कि इंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड हुआ रिएक्शन प्रोसीड रैपिडली विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस एंड द पीएच रेंज ऑफ 5-9। अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंजाइम से रिलेटेड है और काफ़ी डिटेल में इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इंजाइम्स के बारे में हम क्या बताए हैं कि जैसे मान लो हम लोग कोई फूड लिए, इस फूड से न्यूट्रिएंट मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, विटामिन मिला, ऐसा ये सभी मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल। इंजाइम के प्रेजेंस में ही ये टूटते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में, और बॉडी को मिलता है एनर्जी। ठीक, अब कोई भी भोजन आप लिए तो भोजन खाने से पेट भरता है, मतलब पेट फूल गया, तो पेट फूलने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जो भोजन आप लिए हो वह एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है आपके बॉडी को, और वह एनर्जी तभी प्रोवाइड करेगा जब इंजाइम बढ़िया से वर्क करेगा और वह इंजाइम उस मैक्रो मॉलिक्यूल को, मतलब जो न्यूट्रिएंट आपको मिला है, उसको आसानी से तोड़ पाए। ठीक, अब यह इंजाइम जो कि यहाँ कैटलिस्ट है, जो इस मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है सिंपलर मॉलिक्यूल में और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, यह बेहतर तरीके से वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। कब? जब उस लिविंग सिस्टम का, जिसके अंदर इंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, उस लिविंग सिस्टम का टेम्परेचर इस रेंज में हो। देखो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग जानते हैं रूम टेम्परेचर है, और 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ऐसा मतलब रूम टेम्परेचर से लेकर के बॉडी टेम्परेचर तक का जो रेंज है, इसी टेम्परेचर रेंज में इंजाइम बेहतर तरीके से फंक्शन करते हैं। यदि टेम्परेचर इससे कम हो जाए या फिर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए, तो दोनों केसेस में वे इंजाइम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से जब वे फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा कि इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आप जनरली जो ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो कि जब तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब होता है मतलब फीवर हो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ऑब्जर्व करना कि उस समय खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, भूख नहीं जगेगा। रीजन क्या है भूख नहीं जगने का? अरे भूख नहीं लग रहा है इसका मतलब कि तुम्हारे बॉडी में जो भोजन है वह पचा हुआ नहीं है, पच नहीं रहा है।
क्यों? क्योंकि उस बॉडी को मतलब उस बॉडी में जो फूड है उसको पचाने के लिए जो इंजाइम चाहिए था वह इंजाइम बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंजाइम अच्छे से काम करता है इस टेम्परेचर रेंज में। अब चूंकि तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो बॉडी टेम्परेचर तबीयत ख़राब में तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, और हाई टेम्परेचर पर बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं वे इंजाइम्स फंक्शन नहीं करेंगे, और जब इंजाइम काम नहीं करेंगे ऐसा कुछ होगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं, और भोजन जब तक पचेगा नहीं तब तक भूख नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो हाई फीवर में जो हम लोग को खाना नहीं पचता है या खाने का इच्छा नहीं करता है तो उसका कारण यही है। और देखो, खाने का इच्छा नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी फुल एनर्जेटिक है, नहीं, लगता है कि अब तो जान ही नहीं है शरीर में, तो जान ही नहीं है मतलब एनर्जी शरीर में है नहीं, खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो एनर्जी नहीं है क्योंकि तुम खाना नहीं खा रहे हो। और खाना क्यों नहीं खा पा रहे हो? क्योंकि यह जो एंजाइम है तुमको अलाउ नहीं कर रहा है, एंजाइम जो है बोल ही नहीं रहा है कि भोजन लो, क्योंकि यह पचा ही नहीं पाएगा। तो उस केस में जब लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं ना तो उनको ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज वाटर जो है सडन डिकम्पोज करके जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, जो ऑलरेडी हम लोग कार्बोहाइड्रेट में देख चुके हैं। हालांकि ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन के लिए भी एंजाइम चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तुम डायरेक्ट खाना खाओगे तो इससे तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जबकि ग्लूकोज सिंपलेस्ट है तो उसका चांस है कि थोड़ा टूट करके एनर्जी दे। तो तेज बुखार में भूख नहीं लगती है क्योंकि उस केस में बॉडी टेम्परेचर हाई है, और उस हाई टेम्परेचर पे शरीर के अंदर जो इंजाइम है जो खाना पचाने का काम करते हैं वे इंजाइम ढंग से काम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को भूख नहीं लगता है, समझ जाना इस बात को। फिर जब आप दवाई वगैरह खाओगे आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा, और जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो सारे इंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, और इंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे तो फिर वे फंक्शन करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। दूसरा बात यहाँ गौर करने वाला है पीएच रेंज 5 to 9, या पीएच रेंज भी यहाँ गौर करने वाला है। पीएच रेंज भी देख रहे हो एक एप्रिसिएबल रेंज है, ना तो बहुत कम पीएच है ना ही बहुत ज़्यादा पीएच है। कम पीएच यदि रहता तो एसिडिक हो जाता पेट, नहीं एसिडिटी हो जाता पेट में, गैस फॉर्मेशन होने लगता, और 9 से अधिक होता तो अल्कलाइन हो जाता पेट, और दोनों केस में एंजाइम काम नहीं करते। इसीलिए हम लोग को जो भोजन करना चाहिए वह बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो, बहुत ज़्यादा बेसिक भी ना हो, क्योंकि वह भी क्या करेगा कि जो स्टोमिक का न्यूट्रलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और यदि यहाँ का न्यूट्रलिटी गड़बड़ हुआ पेट का तो फिर वही बात, एंजाइम काम नहीं करेंगे, और एंजाइम काम नहीं करेंगे तो फिर भोजन वगैरह पचेगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। भोजन पचेगा नहीं लेकिन बॉडी को एनर्जी चाहिए ही, तो फिर वह एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में आता भी है कि एंजाइम को नॉर्मल फंक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए या पीएच रेंज क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल फंक्शन के लिए टेम्परेचर रेंज समझ गए 25 से 38, और पीएच रेंज 5 to 9, दोनों जो है नॉर्मल रेंज है जो एक लिविंग बॉडी में होता है, चाहे टेम्परेचर की बात हो या पीएच की बात हो। तो समझ गए इस पॉइंट को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद अगला जो फीचर है एंजाइम का कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वेरी स्पेसिफिक। तो नेक्स्ट जो इसमें है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक होने का मतलब क्या हुआ कि या पर्टिकुलर इंजाइम कैटलाइजेज ओनली या सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन दैट इज
एन एंजाइम कांट कैटलाइज मोर देन वन बायोकेमिकल रिएक्शन। समझे इसका मतलब? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, कहने का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। एक एंजाइम कभी भी एक से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। सिंपली ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति कोई एक ही काम कर सकता है, उसके अलावे वह दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल कैटलिस्ट होता है ना, तो एक नॉर्मल कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन एंजाइम में ऐसा बात नहीं है। इसको एग्जांपल से समझोगे, जैसे आप स्कूल लेवल में पढ़ते थे तो वहाँ एक टीचर वैसे थे जो मैथ साइंस दोनों पढ़ा देते थे। अब मैथ में चाहे जितना मैथ हो, साइंस में चाहे जितना साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी, सारे पढ़ा देते थे। मतलब एक टीचर वहाँ साइंस का मैक्सिमम पोर्शन को डील कर दे रहा है। अब वहाँ से आप आए इंटरमीडिएट में, तो यहाँ क्या हुआ, मैथ के टीचर अब अलग हो गए, साइंस के अलग हो गए। स्पेसिफिसिटी यहाँ बढ़ रहा है ना, वहाँ एक ही टीचर सब कर दे रहे थे, अब यहाँ अलग अलग हो गए। अब साइंस में भी फिर फिजिक्स के अलग हो गए, केमिस्ट्री के अलग हो गए, बायोलॉजी के अलग हो गए। अब और आगे आप पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तो वहाँ देखोगे कि केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अलग टीचर हैं, वे फिजिकल ही पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक के अलग हैं, जो ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे अच्छे से, फिजिकल इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे, वैसे ही इनऑर्गेनिक के अलग हैं। फिर आगे आप जाओगे तो देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक में फिर स्टीरियो केमिस्ट्री के अलग टीचर हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग टीचर हैं। तो ये जो बढ़ते जा रहा है ना, मतलब स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। तो क्लास टेंथ में जो टीचर आपको पढ़ा रहे थे वो कैटलिस्ट थे, जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ा ले रहे थे, मतलब जो सारे रिएक्शन को कैटलाइज कर दे रहे थे। लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में पहुंचे तो वहाँ एक टीचर को एक ही पोर्शन को पढ़ा रहा है, वो सबको नहीं पढ़ा रहा है, तो वो एंजाइम हो गए कि वे उसके अलावे दूसरे पेपर को जो है नहीं डील कर सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर, एमएससी वाले टीचर हो गए एंजाइम कैटलिस्ट, और क्लास टेंथ में जो टीचर तुमको पढ़ा रहे थे या नाइन्थ में जो पढ़ा रहे थे स्कूल लेवल में, वे नॉर्मल कैटलिस्ट हुए। तो नॉर्मल कैटलिस्ट मतलब जो बहुत सारे रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट जो स्पेसिफिक है, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, उसके अलावे वह दूसरे रिएक्शन को कभी भी कैटलाइज नहीं कर सकता है। तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करोगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें कि भाई कौन कौन से एंजाइम हैं और वे किस रिएक्शन को कैटलाइज करने में सक्षम हैं, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ एंजाइम्स के नाम और उनके द्वारा कैटलाइज्ड किए जाने वाले रिएक्शंस, इतना हम लोग देखते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे एंजाइम्स का नाम के लास्ट में ASE आता है, बेसिकली सबका, मैक्सिमम का। खैर, हम लोग कुछ एंजाइम्स लिखने वाले हैं और उनका फंक्शन, एंजाइम्स रिएक्शंस कैटलाइज्ड। जैसे माल्टेस, ASE लगा हुआ है लास्ट में, या क्या करता है, प्लस माल्टोज को बदलता है D+ ग्लूकोज में। माल्टेस केवल यही रिएक्शन को कर सकता है, माल्टेस केवल और केवल माल्टोज को ही D+ ग्लूकोज में बदल सकता है, इसके अलावे किसी भी रिएक्शन को वह कैटलाइज नहीं करेगा। इवन इसका नाम माल्टेस इसीलिए पड़ा क्योंकि यह माल्टोज को कैटलाइज करता है। उसी प्रकार से लैक्टेस,
यह केवल और केवल प्लस लैक्टोज को बदलता है डी प्लस ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टेस ऊपर वाला रिएक्शन नहीं कर सकता है, माल्टेस नीचे वाला नहीं कर सकता है, स्पेसिफिक है। माल्टेस जब भी करेगा तो इसी रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, कैटलाइज करेगा, और लैक्टेस जब भी करेगा तो इसी को करेगा। समझ गए बात। नेक्स्ट इन्वर्टेस, इन्वर्टेस जब भी कैटलाइज करेगा तो यह प्लस सुक्रोज को बदलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। मतलब तुम चाहोगे कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना है तो हम माल्टेस एंजाइम के द्वारा करें तो कभी नहीं होगा, ये जब भी होगा तो इन्वर्टेस के द्वारा ही होगा। मतलब इसमें से सारे रिएक्शंस एंजाइम के द्वारा स्पेसिफिक हैं, कोई एंजाइम एक दूसरे रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके बाद जैसे जाइमेस है, जाइमेस यह क्या करता है टी प्लस ग्लूकोज को बदलता है इथेनॉल में। जाइमेस क्या करता है डी प्लस ग्लूकोज को बदल देता है किस में, इथेनॉल में। उसी प्रकार से है अमाइलेज जो क्या करता है स्टार्च, स्टार्च में हम लोग जानते थे अमाइलोज होता है, इसको बदलता है डी ग्लूकोज में। तो ऐसे सबका नाम में देखो ए एस सी लगा हुआ है। उसी प्रकार से यूरेज जो क्या करता है यूरिया को बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम अभी लिखेंगे यहाँ, रेनिन। रेनिन क्या काम करता है, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ मिल्क एंड प्रिवेंट्स रैपिड पैसेज ऑफ मिल्क फ्रॉम द स्टोमिक, फ्रॉम द स्टोमिक। समझोगे इसका मतलब क्या लिखे है। पानी हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं, वह पानी बॉडी में है बहुत सारे रिएक्शन के लिए, वह मीडियम का काम करता है, और वही पानी फिर हम लोग यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं जो वेस्टेज होता है। क्या यूरिन के थ्रू दूध निकलता है, हम लोग दूध भी पीते हैं ना, पानी के साथ तो हम लोग दूध भी पीते हैं, तो आखिर वह दूध यूरिन के थ्रू क्यों नहीं निकलता है, पानी ही क्यों निकलता है। तो उसका रीजन है इस रेनिन का होना। रेनिन जो कि एक लिविंग बॉडी में है, एंजाइम है, यह रेनिन क्या करता है कि जो दूध हम लोग पीते हैं उस दूध का कोगुलेशन करता है। कोगुलेशन मतलब उस दूध को जमा देता है, जैसे दही कैसे जम जाता है दूध से वैसे, और दूध को वह कोगुलेट कर देता है ताकि वह दूध बॉडी से बाहर ना निकले। बॉडी से बाहर वो तो तभी निकलेगा ना जब वह यूरिन के थ्रू मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन ऐसा होने ही नहीं देता है। इस ब्लड मिल्क का जो है कोगुलेशन कर देता है, मतलब उसको जमा देता है ताकि वह यूरिन के थ्रू बाहर ना निकले और पेट में स्टोर रहता है, फिर टूट करके उसमें जो प्रोटीन वगैरह है वह बॉडी को मिलता है, एनर्जेटिक बनाता है बॉडी को। तो यह रेनिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, बड़ा इम्पॉर्टेंट या कॉमन सा सवाल है कि भाई हम लोग पानी पीते हैं तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है पानी, दूध भी तो पीते हैं वो कहीं नहीं निकलता, इवन आप शराब वगैरह पियो वो सभी निकल जाएगा। शराब पियो आप पेशाब करो तो देखना उसमें महक आ जाएगा स्मेल उस शराब का, मतलब वह शराब भी निकल ही रहा है उसके थ्रू, दूध नहीं निकलता है। दूध निकलता है यूरिन के थ्रू तो दूध का कलर होता है यूरिन वाइट, ऐसा नहीं होता, मतलब दूध यूरिन से नहीं निकलता है। क्यों, तो उस दूध का कोगुलेशन हो जाता है रेनिन के द्वारा, और जब कोगुलेशन होता है मतलब उसको जमा देता है लिक्विड फॉर्म में, वैसे नहीं रहने देता है, और फिर जो है उसके बाहर निकलने का जो टेंडेंसी स्टोमिक से उसको कम कर देता है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि कैसीन,
जो कि मिल्क प्रोटीन है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। रेनिन जो इंजाइम है ये क्या करता है, इसको बदल देता है पारा कैसीन में, और पारा कैसीन फिर कैल्शियम जो बॉडी में है उसके साथ मिल करके बना लेता है मिल्क क्लॉट। और यही मिल्क क्लॉट मैंने दूध का थक्का जम जाना, बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए। कैसीन जो कि मिल्क प्रोटीन है दूध में रहता है, रेनिन जो बॉडी में है या कैसीन को पारा कैसीन में बदलता है, और या कैल्शियम आयन जो ऑलरेडी बॉडी में हम लोग का है उस कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करके मिल्क क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। जब दूध का क्लॉटिंग हो जाएगा तो फिर वह बाहर नहीं निकलेगा, स्टोर रहेगा, और जो उसमें प्रोटीन है वह टूटेगा और फिर बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ से जाने, इसको ध्यान में रखोगे। उसी प्रकार से ऐसे कई कैटलिस्ट हैं, एंजाइम कैटलिस्ट, जिनके फंक्शंस अनेक प्रकार के हैं। कुछ का एग्जांपल्स हम बता दिए, बाकी और भी नोट्स में लिखा हुआ है तो उसको आप लोग देख लोगे वहाँ से। नेक्स्ट, अब आखिर एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कैसे करता है। पीछे डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़े, सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़े कि आखिर एक एंजाइम फंक्शन कैसे करता है, या कोई भी सब्सटेंस एंजाइम का काम क्यों करता है, किस आधार पे वह रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो उसमें से एक फैक्टर हम लोग देखे एक्टिवेशन एनर्जी का, कि वह रिएक्शन के लिए एक अलग रास्ता तैयार करता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का, जिससे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना आसान हो जाता है। उसके बाद फिर एक हम लोग ऐसा भी देखे थे डी ब्लॉक एलिमेंट में कि कुछ वैसे स्पीसीज होते हैं जो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और वह इंटरमीडिएट टूट जाता है प्रोडक्ट में और कैटलिस्ट वापस रीजनरेट कर जाता है, या कभी कदाल वह जो इंटरमीडिएट है फिर से रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और ये करता है। तो वही मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होगा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो स्टेप वन में सबसे पहले एंजाइम क्या करता है, सब्सट्रेट मतलब जो भोजन वगैरह है उसके साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है एंजाइम सब्सट्रेट का, और यह काफ़ी फास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू में, कि यह जो एंजाइम सब्सट्रेट है वह स्लोली धीरे धीरे जो है एंजाइम प्रोडक्ट में बदलना शुरू करता है, और फाइनली स्टेप थ्री में यह जो एंजाइम प्रोडक्ट है वह काफ़ी तेज़ी से फास्टली एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट समझ लो जिसके साथ एंजाइम कंबाइन करके उसको तोड़ेगा, एंड दिस वन इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी वही चीज़ है, बट दिस वन इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फाइनली यहाँ प्रोडक्ट अलग। तो यही तीन स्टेप, सबसे पहला क्या हुआ, एंजाइम उस सबस्ट्रेट से कंबाइन किया जिसको तोड़ना था, इसको कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट का, वही एंजाइम सबस्ट्रेट धीरे धीरे आपस में कंबाइन किया, रिकम्बाइन किया, और धीरे धीरे वह प्रोडक्ट में बदलना शुरू हुआ। प्रोडक्ट जो बदला वहाँ से वह प्योर प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ एंजाइम जुड़ा रहेगा, और फाइनली जो वह एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स है फिर वह टूट करके एंजाइम अलग कर देता है और वहाँ से प्रोडक्ट जो है अलग हो जाता है। इसी को फिगर के माध्यम से यदि समझना चाहोगे तो मान लो कि यह है एंजाइम, एंजाइम में ऐसा जो खाली जगह है बीच में जो यहाँ गैप बताया गया है, दिस गैपिंग इज कॉल्ड एक्टिव साइट, दिस वन
एक्टिव साइट। अब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मान लो उसको हम लोग ऐसा दिखाएं, यह है सबस्ट्रेट, मतलब जैसा यहाँ खाली जगह होता है ना जिस शेप का, ऑलमोस्ट उसी शेप का यहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है ताकि वह आसानी से जो है उसमें फिट बैठ सके। तो एंजाइम जिसके पास की एक्टिव साइट है, वैसा खाली जगह है एडसॉर्प्शन के लिए, तो उसी खाली जगह में जो है सबस्ट्रेट का एडसॉर्प्शन होएगा ऐसा। इस प्रकार से अब यहीं आकर के सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जमा होगा ऐसा, इस प्रकार से दिस वन इज एंजाइम, दिस वन इज सबस्ट्रेट, तो ये पूरा कहलाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट। यहाँ एंजाइम अलग था, सबस्ट्रेट अलग था, दोनों एक दूसरे से कंबाइन किए तो ऐसा बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट। अब यह एंजाइम सबस्ट्रेट बदलेगा किस में, एंजाइम प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट में, मतलब ऐसा ही रह जाएगा ये ऐसा, और यहाँ हो जाएगा दिस वन प्रोडक्ट, इस प्रकार से एंजाइम, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फाइनली फाइनली यहाँ से एंजाइम का पोर्शन हो जाएगा अलग, देखो ये एंजाइम जो है यहाँ से अलग हो गया और फिर प्रोडक्ट्स यहाँ से हो जाएंगे अलग, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन करके अलग हो जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा सबस्ट्रेट है उतना ही बड़ा प्रोडक्ट तो नहीं ना बनेगा। एंजाइम का बताए थे कि यह मैक्रो मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है ऐसा, तो यही मैकेनिज्म है एंजाइम कैटालिसिस का कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाता है, फिर वह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बदल जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट में, फाइनली वह एंजाइम प्रोडक्ट जो है उसमें से एंजाइम हो जाता है अलग और प्रोडक्ट्स हो जाते हैं वहाँ से अलग, और इस तरह से जो है ओवरऑल रिएक्शन कैटालाइज हो जाता है। तो इसको याद रखोगे, वही चीज़ इधर लिखा गया है E प्लस S एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मैंने समझ रहे हो ना रिएक्टेंट, भोजन स्टार्च वगैरह यहाँ सबस्ट्रेट हो जाएगा, स्टार्च ग्लूकोज माल्टोज लैक्टोज वे सभी यहाँ सबस्ट्रेट होने वाले हैं। तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट बना, वह प्रोडक्ट में बदला, फिर यहाँ से एंजाइम अलग हुआ, प्रोडक्ट अलग हुआ, फाइनली ऐसे रिएक्शन कैटालाइज हुआ। तो यह था एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म। इसके अलावा एक दो छोटे टर्म्स और हैं इसमें एंजाइम से रिलेटेड, और वे क्या हैं, कौन से टर्म्स हैं, देखते हैं उसको हम लोग। तो नेक्स्ट है इसमें को एंजाइम्स, को एंजाइम्स, बोला है कि द प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है द प्रोस्थेटिक ग्रुप विच गेट अटैच्ड, विच गेट अटैच्ड टू द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन आर नोन एज को एंजाइम। जैसे हाँ, तो क्या बोल रहा है कि जब एंजाइम एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है
तो उस एंजाइम के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब नॉन एंजाइम पार्ट, सबस्ट्रेट समझ सकते हो, तो उसी को हम लोग को एंजाइम बोलते हैं। और जो कम्बिनेशन है प्रोटीन और कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स का, उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। तो जैसे होलो एंजाइम है या एक्टिव है, एक्टिव है कहने का मतलब कि रिएक्शन को यही परफॉर्म करेगा, प्योर एंजाइम नहीं करते हैं बल्कि उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ेगा तब, तो यह एक्टिव हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एंजाइम मतलब को एंजाइम। और जब यह रिएक्शन करता है तो बदल जाता है एपो एंजाइम में, और एपो एंजाइम इनएक्टिव पार्ट है या डायरेक्ट कंबाइन नहीं करता है, इनएक्टिव पार्ट है। और यहाँ से बाहर निकलता है कोफैक्टर मतलब जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बोला है कि ये जो कोएंजाइम होते हैं मतलब कोफैक्टर, वे बेसिकली विटामिन से आते हैं, विटामिन से डिराइव किए जाते हैं, विटामिन से आते हैं। तो कोएंजाइम मतलब एंजाइम के साथ जो एक्स्ट्रा स्पीसीज जुड़ेगा रिएक्शन के दरमियान वह कहलाएगा कोएंजाइम। तो वह बेसिकली कोई विटामिन वगैरह होता है। तो एंजाइम खुद एक्टिव नहीं है बल्कि उसके साथ जब वह कोफैक्टर जुड़ता है तब वह एक्टिव होता है, और जब रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो उसका कोफैक्टर यदि अलग हो जाए तो वह एपो एंजाइम कहलाएगा, जो कि इनएक्टिव नेचर का होता है, वो फिर डायरेक्ट फंक्शन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से एंजाइम को भी हम लोग यहाँ समाप्त कर लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो चुका था, प्रोटीन्स भी ख़त्म किए, अब एंजाइम्स भी हो गया। तो बाकी का जो अब पोर्शन बच रहा है हार्मोन्स विटामिन्स वगैरह, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।